अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे एक पुडिंग की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत ही हेल्दी वे में हम इसको बनाएंगे। और ये पुडिंग जो है बहुत ही हेल्दी होता है, ये वेट लॉस में भी बहुत हेल्पफुल होता है। तो हम आज चिया पुडिंग बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने 3 टेबल स्पून चिया सीड्स ले ली है, यह आसानी से मिल जाता है मार्केट में। चिया सीड्स को हमें खाना चाहिए, ये बहुत ही हेल्दी होता है, यह हमें बहुत सारे विटामिन्स मिनरल्स भी देता है। इसके साथ साथ आप अगर वेट लॉस करना चाहते हैं तो चिया सीड्स बहुत ही अच्छा है, आप इससे इसको खा के आसानी से वेट लॉस कर सकते हैं। तो यहाँ चिया पुडिंग बनाने के लिए 3 टेबल स्पून चिया सीड्स ले ली हूँ। उसको थोड़ा सा पहले अच्छे से साफ़ कर लेंगे क्योंकि मार्केट में अक्सर उसमें गर्दो गुबार रहते हैं। तो इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे हम, और उसके बाद से इसमें 1 टीस्पून के बराबर हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 कप मिल्क डाल के इसको सोक करके रख देना है हम। तो 2 से 3 घंटे सोक करेंगे तब भी ये ऐसा हो जाएगा, या आप चाहें तो ओवरनाइट भी सोक करके इसको फ्रिज में रख दें। तो ये देख सकते हैं कितने अच्छे से सोक हो गया है, पूरे दूध को ये एब्जॉर्ब कर लिया है। तो ऐसे ही हमें सोख करके इसको फिर पुडिंग बनाना है। तो ये ग्लास ले लेंगे या जो भी आप जिसमें भी बनाना चाहें। तो इसकी ऐसे लेयर बना लेनी है, नीचे जो है सबसे नीचे हम चिया जो हमने सोख करके रखा था चिया सीड्स को वो डालेंगे, और उसके बाद से ऊपर से फ्रूट्स डाल लेंगे। तो फ्रूट्स यहाँ एप्पल या पीच जो भी चाहें आप यूज़ कर सकते हैं, आप अपनी चॉइस के हिसाब से, या जो आप फ्रूट्स आपको पसंद हो वो डाल सकते हैं इसमें। और उसके बाद से डेट्स डाली हूँ मैं, तो डेट्स डाल लेंगे। और उसके बाद से ये टूटी फ्रूटी है, ड्राई पपाया है ये, तो इसको भी मैं डाल देती हूँ। थोड़े चॉप्स नट्स हैं वो सब भी डाल देंगे हम। ये बहुत ही हेल्दी होता है और ये बहुत ही टेस्टी भी लगता है, आप ज़रूर से ऐसे बना के देखें। तो ऐसे ही हम अपनी चॉइस की फ्रूट्स डाल के इसमें लेयर्स बना लेंगे, चिया सीड्स की और फ्रूट्स की लेयर बना लेनी है। जो फ्रूट्स आपको पसंद हो या जो वेट लॉस में हेल्पफुल होते हैं, जैसे बनाना हुआ या एप्पल हुआ, आप वो सारी फ्रूट्स डाल सकते हैं। और नट्स जो है वो सारे नट्स भी डाल सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से, जो आपको नट्स पसंद हो वो डाल दें। तो यहाँ मैंने डेट्स डाले हैं और ये ड्राई पपाया है, पीच है, और ऊपर से बादाम और अखरोट है। ये सारी चीज़ें में जो हेल्पफुल होती हैं वेट लॉस में, जो नट्स हेल्पफुल होती हैं वेट लॉस में, वो सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। आप चाहें तो हनी भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ नहीं डाली है क्योंकि इतनी सारी ये जो फ्रूट्स डली हैं ये ऑलरेडी एकदम मीठा हो गया है पुडिंग। डेट्स डाली है हमने, खजूर डाली है, वो भी मीठा होता है, उससे भी हमें शुगर मिलेगा। तो ऊपर से हमें हनी डालने की ज़रूरत नहीं है, तो हनी नहीं डाली हूँ मैं। अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं। तो आप इस चिया पुडिंग को ज़रूर से बनाइए, वेट लॉस चिया पुडिंग को बहुत पसंद आएगी, और ये आपको एनर्जी भी देगा और टेस्ट भी देगा। तो ज़रूर से इसको ट्राई कीजिए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।